हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्लास 12th के बच्चों का। और चैप्टर है जी न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। गाइस, इस चैप्टर में से जो है बच्चे मोस्टली जो है ये सोचते हैं भैया ये तो छोड़कर ही जाना है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बट गाइस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो तीनों के तीनों चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हैं। अगर भैया पास होना है आपको तो आपको ये तीन चैप्टर बहुत ही अच्छे से करके जाने होंगे क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू क्वेश्चन कंपलसरी है, आने ही आने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में ये आपसे क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है क्यों। सबसे पहले कह रहा है उत्पादन के कारकों के अभाव के कारण, दूसरे में कह रहा है तकनीकी में परिवर्तन होने पर समायोजित करने में लगने वाले समय के कारण, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में हस्तांतरित होने होने में लगने वाले समय के कारण, या बी और सी दोनों। गाइस, सबसे पहले तो आपको प्राकृतिक बेरोजगारी पता होनी चाहिए। प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है? गाइस, मैं आपको बता दूं, एक अर्थव्यवस्था जो है कभी भी अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकती है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट बेरोजगारी रहती है जिसको प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। वो क्यों रहती है? क्योंकि गाइस, हमारे पास जो है ये कह सकते हो उत्पादन के जो है कारक या उत्पादन के साधन जो है वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक तो क्या उत्पादन के कारक, साथ के साथ तकनीकी में परिवर्तन कह रहे हैं, और दूसरे में क्या करता, एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे छोड़ने के कारण। तो गाइज, प्राकृतिक बेरोजगारी, इसके अकॉर्डिंगली इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि जब हम तकनीकी में चेंज आता है, जब तकनीकी में जो है चेंज आता है तो उसमें जो भी टाइम लगता है, टाइम पीरियड, उसमें जो है बेरोजगार रहते हैं, साथ के साथ एक नौकरी से जब दूसरी नौकरी में ट्रांसफर होता है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके में जो बेरोजगार रहेंगे वो प्राकृतिक बेरोजगारी है। तीन तरीके की बेरोजगारी है गाइस, संघर्षात्मक, संरचनात्मक, जो अगले पॉइंट देख रहे हो आप। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये हज़ार बारी पूछा गया है कि संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। तो गाइस, संघर्षात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं? कह रहे किसके कारण उत्पन्न होती है? श्रम की अगतिशीलता के कारण, उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण, निम्न मजदूरी दर के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ए इसका जो है करेक्ट आंसर है, श्रम की अगतिशीलता के कारण क्या होता है, संघर्षात्मक बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न होती है। गाइस, आपको संघर्षात्मक और संरचनात्मक ये दोनों की दोनों बेरोजगारियां जो है पता होनी चाहिए। 1-1 मार्क की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, इस पे तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि प्राकृतिक, संघर्षात्मक और संरचनात्मक ये तीनों के तीनों बेरोजगारी में से एक कंपलसरी है या पूर्ण रोजगार, एक ना एक मार्क की आनी आनी है। अब पूछ रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं या क्यों उत्पन्न होती है? संरचनात्मक तकनीकी में परिवर्तन के कारण, या कारकों के अभाव के कारण, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका जो आंसर है वो है ए और बी दोनों, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, उसकी वजह से जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं, या हमारे पास जो है कारकों का अभाव, श्रम की अतिरिक्त क्षमता जब हमारे पास नहीं होती है तब जो है संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले तो ये तीनों क्वेश्चन, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने की, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करके आने हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है गाइस? गाइस, अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना गाइस, न्यून मांग और अधिमांग, इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना गाइस सारे के सारे, वो है न्यून मांग, अधिमांग, स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल। इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका आना ही आना है। तो इस पे ये क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है अभावी मांग के कारण, अभावी मांग, मांग जो है वो कम है, क्या होता है? अविस्फीतिक अंतराल होता है, स्फीतिक होता है, या ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। गाइज, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है सभी बच्चों का। गाइज, आप देखो, अभावी मांग का मतलब होता है मांग कम है, क्या है, मांग कम है, और सॉरी अभा हाँ अभावी मांग का मतलब मांग कम है, न्यून मांग है, ठीक है, और अधिमांग का मतलब मांग ज़्यादा है। तो गाइज, जो स्फीतिक होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिक वाले को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और
तो इन्फ्लेशनरी किससे बना है? इन्फ्लेशन से। स्फीतिक वाले का जो रीजन है ना गाइस, वो है इन्फ्लेशन। जब मांग ज्यादा होती है ना तो इन्फ्लेशनरी क्या होता है, और जब मांग कम होती है तो कौन सा होता है, डिफ्लेशनरी कह सकते हो। तो वो क्या है, वो अविस्फीतिक अंतराल है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन कंपलसरी है। अभावी मांग से अविस्फीतिक और अधि मांग से जो है स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कह रहा है अविस्फीतिक अंतराल किस चीज़ को मापता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन से ही इंटर रिलेटेड है कि अविस्फीतिक अंतराल का क्या मतलब है, मांग कम है कि जितनी पूर्ण रोजगार पर होनी चाहिए कम है। तो भैया ADF माइनस ADU, F का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट और U का मतलब अंडर, तो F में से जब U को डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अविस्फीतिक अंतराल आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है C इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है अधिमांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब अधिमांग, तो सिंपल सी बात है, मांग ज़्यादा है पूर्ति से, व्हेन AD ग्रेटर देन AS, देन उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अधिमांग बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। ए इसका जो है गाइस करेक्ट आंसर है। और इस पे तीन जो ये क्वेश्चन है इसके पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, न्यून मांग और अधिमांग, या स्फीति या अविस्फीति, इस पे मोस्टली क्वेश्चन यही है और ये आने ही आने हैं इसी टॉपिक पे, इस चैप्टर में से इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है अधिमांग के कारण क्या होता है, जब मांग ज़्यादा होती है तो क्या होगा, स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होगा, या कीमतों में वृद्धि होगी, या रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, या और दोनों। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अधिमांग के कारण सबसे पहले तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसको स्फीतिक कहते हैं। और भैया जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन का तो मतलब होता ही है कीमतों में वृद्धि, तो मतलब अधिमांग ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, डी पे आप इसमें जो है टिक लगा लीजिए। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में कमी नहीं होती है, तो समग्र मांग के आपको जो है इसमें घटक पता होने चाहिए। समग्र मांग के घटक क्या होते हैं भाई, समग्र मांग में कमी नहीं होती है। तो देखो जब उपभोग सी प्लस आई प्लस जी, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये इसके घटक होते हैं। तो पहले वाला है सी, उपभोग में कमी से इसमें कमी होगी। फिर दे रखा है निर्यातों में कमी, आयातों में कमी, और फिर क्या दे रखा है, सरकारी व्यय में कमी। तो देखो ए बी और डी ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन जो जो आपका शुद्ध निर्यात होता है वो कैसे निकलता है, निर्यात माइनस आयात ऐसे निकलता है ये। तो जब हम आयातों में कमी कर देंगे, जो चीज़ माइनस करने वाली है वो चीज़ कम हो जाएगी, तो क्या होगा, समग्र मांग में कमी नहीं होगी, समग्र मांग बढ़ेगी। तो ये जो है सी, सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये समग्र मांग के घटक में से पूछा गया। अगर आपको समग्र मांग के घटक अच्छे से पता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आयातों में कमी से समग्र मांग में क्या होती है, कमी होती है, कमी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है। अब ये इसका उल्टा क्वेश्चन है, तो अब इसमें ये पूछ रहा है वृद्धि होती है, तो देखो अब इसमें क्या लिखा है, आयातों में कमी, तो आयात में कमी से तो AD में कमी नहीं होगी, तो और क्या लिखा हुआ है, निवेश व्यय में वृद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि। तो देखो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, आयातों में कमी से समग्र मांग में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि से आई वृद्धि होगी, AD में जी इससे भी वृद्धि होगी, ए बी सी जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं उन तीनों के तीनों से समग्र मांग में वृद्धि होगी, इसके लिए इसका डी जो है इसका करेक्ट आंसर है गाइस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं स्फीतिक अंतराल, स्फीतिक अंतराल जो है उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है, उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करता, या सामान्य कीमत स्तर को बढ़ा देता है। तो भैया देखो स्फीतिक अंतराल आपको पता होना चाहिए कब क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी गैप, जब मांग क्या होती है, मांग जो है जब ज़्यादा होती है, तो भैया उससे मांग, जब मांग ज़्यादा है तो उत्पादन का स्तर प्रभावित नहीं होता है, और साथ के साथ जो सामान्य कीमत स्तर होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली डी जो है, डी इसका जो है करेक्ट आंसर है गाइस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है यदि समग्र मांग के स्तर में वृद्धि करनी होती है, यदि समग्र मांग के स्तर में वृद्धि करनी होती है, जिसका अर्थ है AD वक्र का ऊपर की ओर खिसकाव, तो सरकार को आवश्यकता है, कह रहा है यदि हमें AD कर्व जो है, AD को खिसकाना है, AD कर्व को ऊपर की ओर खिसकाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है।
स्वायत्त निवेश में वृद्धि करने की जरूरत है या स्वायत्त उपभोग में वृद्धि करने की शिफ्ट है। गाइज इसको पैलर शिफ्ट कहते हैं। ये आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांस एग्जाम में ज़्यादा हैं आने के। तो गाइज जो इसका, अगर आपको इसमें शिफ्ट लाना है ना, पैलर शिफ्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वायत्त निवेश या जो स्वायत्त उपभोग होता है अगर उसमें वृद्धि होगी तो गाइज जो आपका एडी कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड, ठीक है। और अगर कमी करनी होगी तो लेफ्ट वर्ड अगर खिसकाना है तो इन दोनों में कमी कर दो, तो आपका वो क्या हो जाएगा, एडी कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंगली ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है, अधिमांग तथा न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार की आय और व्यय नीति को क्या कहते हैं। गाइज जैसे कि आप सभी जानते हो, न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने की दो तरीके की नीति होती है, एक होती है मौद्रिक नीति और एक होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राजकोषीय के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अब इसमें से इसने कंपोनेंट दे दिया सरकार की आय और व्यय नीति, तो ये हमसे ये पूछ रहे कि मौद्रिक का है या राजकोषीय का है। गाइस जो सरकार की, जो सरकार से रिलेटेड जो है ना, वो सब राजकोषीय में आते हैं, सिंपल सी बात है। और जो आरबीआई बैंक से रिलेटेड है वो आती है मौद्रिक में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सरकार की आय और व्यय से रिलेटेड है, तो भैया ये राजकोषीय नीति है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अभावी मांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के लिए निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक अपनाया जाना चाहिए। कह रहा है न्यून मांग को ठीक करना है, न्यून मांग को ठीक करना है। गाइस चाहे वो देखो पहले में क्या देखा है, न्यून मांग, मांग कम है, मांग को बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट जब अपना खर्चा बढ़ाएगी या कर में कमी करेगी और सरकारी ऋणों में कमी। गाइस ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है, ये आपके जो है ना, अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको जो मैंने उपाय वाली जो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिस 50 मिनट की है आराम से, अगर आपको वो आते हैं बिल्कुल डीपली, जिसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक एक चीज़ मैंने आपको उसमें डीपली से समझा रखी है कि क्यों बढ़ानी है क्यों घटानी है, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली पता ही होगा कि मांग कम है तो क्या करना पड़ेगा, मांग ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंगली जिसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। अगर आपकी उस चैप्टर के अंदर कमांड है, वो 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइज वो क्वेश्चन को जरूर करना है, घोल कर पी जाना है, आपको वो क्वेश्चन आना ही आना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में ये जो पूछ रहा है गाइज आपसे, कह रहा है अधिक मांग को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या एयरबी। ये तो गाइज बहुत ही आसान है, चाहे गाइज न्यून मांगो चाहे अधि मांगो, भैया राजकोषीय और मौद्रिक दोनों तरीके से नीतियों से हम क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं, न्यून मांग और अधि मांग को, ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए, स्फीतिक को इन्फ्लेशनरी मतलब मांग जो है वो ज़्यादा है, तो कह रहा है राजकोषीय नीति के, तो राजकोषीय नीति में हमें क्या करना है, मांग को कम करना है, तो करों में वृद्धि कर देंगे, सार्वजनिक व्यय में कमी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखो गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो है कमांड वहाँ पर नहीं है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सिंपल सी बात है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, 50 मिनट की बना रखी है आराम से, खुश शांत सी दिमाग से उस वीडियो को देखो, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही है, साथ के साथ आप देख रहे हो MCQ भी उसमें से आ सकता है, उसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, और एग्ज़ाम में आया भी था सीमांत आवश्यकता वाला। तो अगर गाइज वो आपको नहीं आएगा तो आपको ना तो MCQ और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों के दोनों छूट जाएंगे, और आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, क्या अपने आप में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं अधिमांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति के निम्नलिखित में से कौन से घटक को अपनाया जाना चाहिए। मांग ज़्यादा है तो कह रहे फिर वही बात आ गई, कह रहे रेपो दर में वृद्धि करनी पड़ेगी, CRR में वृद्धि करनी पड़ेगी, सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि मांग को कम करना है हमें। तो भैया इन सब चीज़ों में मौद्रिक नीति के कंपोनेंट है सब में बढ़ा देंगे, तो उपरोक्त सभी इसका भी करेक्ट आंसर है। गाइज ये क्वेश्चन तभी हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार वो वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा आपको ये कोई एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यही बोलोगे, सर आप तो खुद ही बोले जा रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो वो आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर वहाँ कमांड नहीं है तो भैया बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है एग्ज़ाम में।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि भैया जो दिक्कत जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है, वो दिक्कत वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है वो सॉल्व हो जाए। गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।